फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा सॉरी बिकॉज आई वॉज अ बिट हेल्ड अप इन द ऑफिस। तो 10 o'clock का टाइम था वीडियो अपलोड करने का, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन ठीक है, खुशखबरी है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले उतना खलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स वेलकम टू ओन चैनल द हम्बल गाई, लेट्स बिगिन। काफी दिनों से SBI जूनियर एसोसिएट्स, यानी कि आप मानिए कि जो 20-21 दिसंबर का दिन निकल गया उसके बाद से ही वो वेट कर रहे थे कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आएगी। कई लोगों ने हमारे साथ जो RTI रिप्लाई आया था, वेस्ट बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, असम का, वो सारा शेयर किया उन्होंने, तो उससे भी ये क्लियर नहीं हो रहा था कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आएगी। ठीक है, आज हमारे एक ऐसे ही व्यूअर्स बोलूंगा, काफी सारे व्यूअर्स ने भेजा है, जिसमें बिजॉय है कोलकाता से और सुशील है महाराष्ट्र से। आप दोनों का और बाकी लोगों ने भी जो भेजा है, मैं उनका नाम यहाँ देख नहीं पाया, बहुत बहुत आभार। ठीक है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये जो चैनल है सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो हमारे सोर्सेज से पता लगे, ये आप लोगों ने हमें भेजे, उसी पे बिलीव करता है और उसी के तहत जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो खुशखबरी देखिए, आप लोगों को शायद पता भी चल गया होगा, और अगर नहीं पता चल गया होगा तो एक बार देख लीजिए कि फाइनल हो गया है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट SBI जूनियर एसोसिएट्स 2018 की वो आने वाली है 20 जनवरी 2019 को। आप पूछेंगे कैसे, तो ये लीजिए, ये एक RTI रिप्लाई के द्वारा वी हैव, मतलब दैट इट हैज बीन रिसीव्ड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। यहाँ पर आप ये देखिए, डेट ऑफ फाइल लगभग एक महीने पहले पूछा था इन्होंने SBI भुवनेश्वर सर्कल से। वेटिंग लिस्ट, यही सवाल होगा कि कब आएगी, तो इन्होंने जो जवाब दिया है SBI ने, इन्होंने कहा है कि वेटिंग लिस्ट विल बी रिलीज्ड ऑन 21 2019। ठीक है, उसके बाद 3 महीने बाद एवरी क्वार्टर की बात चल रही थी, बिल्कुल उसे माना है 24 2019, एंड यहाँ पे लास्ट में इन्होंने बोला है 20 अगस्त 2019। ठीक है, तो यहां पर तो ये 3 ही वेटिंग लिस्ट दिख रहा है। ठीक है, जनवरी में, अप्रैल में, और यहां मई, जून, जुलाई, अगस्त में। लेकिन इस वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी अगर आप पूछें तो ये वेटिंग लिस्ट वैलिड है 20th सितंबर 2019 तक, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट था दैट केम ऑन 21st सितंबर 2018। So, ये वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी जो है वो खत्म हो जाएगी 20 सितंबर 2019 को रात को 12 बजे। ठीक है, अब इसमें देखिए, आपको एक चीज बता देता हूं, हमेशा आप उस चीज पे बिलीव कीजिए जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, यानी जो रिटन में है। कोई भी चाहे वो बड़े से बड़े आदमी बोल रहा है, बड़ा से बड़ा यूट्यूबर बोल रहा है, चाहे उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो, 10 लाख सब्सक्राइबर हो, आप सिर्फ वो बिलीव कीजिए जो रिटर्न में है। और हमेशा से हम वो जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार, अगर रिजल्ट डेट 21 सितंबर को माने तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पहली वेटिंग लिस्ट आनी ही थी 20-21 दिसंबर को। लेकिन जैसा कि हुआ ये कि आशा से अधिक लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और कई लोगों ने एक्सटेंशन ले लिया, तो अभी 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख को कई लोगों ने ज्वाइन किया और उसमें से भी कई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। अब लॉजिकली ये होगा कि जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको आप कहीं पर सेंट्रलाइज रखेंगे, और उनसे जब ये लोग जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आ जाएगा, इनका DVLPT हो जाएगा, तो इनके साथ उनको लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ट्रेनिंग पे भेज देंगे। अब क्या है, 3rd तक 1 महीने की जो वेटिंग लिस्ट लोगों ने ली थी, वो आज पता लग गया कि कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग नहीं आ रहे हैं। Those who have not joined on 3rd, उनकी कैंडिडेचर ऑटो में कैंसिल हो गई, तो वो सीट्स भी वेकेंट हो गई। अब इनके पास आज की डेट में SBI के पास एग्जैक्ट फिगर है किस स्टेट में, किस कैटेगरी में कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ये डेटा लेके। हालांकि फ्रेंड्स यहां पर वो लिख रहे हैं 20-1-2019, दैट इज अ संडे, हमें तो ये लग रहा है कि ये 2-4-5 दिन पहले ही आ जाएगा। हालांकि इन्होंने 20 लिखा है, लेकिन पहले आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आज शाम को इनको पता लग गया हर लोकल हेड ऑफिस को कि कितने लोग उनके पास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और एग्जैक्ट व्हाट इज द सिचुएशन कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज। ठीक है,
हालांकि इन्होंने यहां 20 लिखा है, लेकिन पूरी पूरी संभावना है कि इट कैन कम अर्लियर ऑल्सो। और एक चीज बता दूं जो लॉजिकली लग रहा है, हालांकि यहां पर 20 अगस्त को दे हैव रिटर्न थर्ड लिस्ट, लेकिन जो वैलिडिटी खत्म हो रही है वो 20th सितंबर को हो रही है। या तो उससे पहले एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, या ये जो लिस्ट है और सितंबर 20 सितंबर से पहले भी एक फोर्थ लिस्ट आएगी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आप आरआरबी का देखें, ठीक है, आरआरबी क्लर्क जो है, देखिए जल्दीबाजी में बैटरी भी चार्ज नहीं कर पाता हूं, ठीक है, जब वीडियो बनाता हूं तो बैटरी लो आ जाता है। तो आरआरबी क्लर्क जो है, इसमें आप देखिए पिछली बार इसका जो रिजल्ट आया था वो 1 फरवरी को आया था, और जो वेटिंग लिस्ट थी वो वैलिड कब तक थी, 31 जनवरी 2019 तक। लेकिन हुआ क्या, इस बार रिजल्ट पहले ही आ गया 1 जनवरी को, तो वेटिंग लिस्ट वहां पर चली गई। तो अगर ऐसा कुछ होता है, या तो ये नया एक नोटिफिकेशन एसबीआई का लेके आ जाते हैं तब तक मार्च अप्रैल तक, और सारी मतलब जो फॉर्मेलिटीज है पूरी हो जाती है, तो ये वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी फोर्थ वाली। और अगर वो नहीं आती है तो जरूर 20th सितंबर से पहले भी एक लिस्ट आने की संभावना है, ठीक है। तो ये पूरी पूरी बातें हो गई, क्यों ये लिस्ट नहीं निकाल रहे थे, ठीक है। लिस्ट निकलनी बिल्कुल ऑफिशियली लीगली जो थी वो 20 दिसंबर को ही थी, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम, दे रहे दुरुस्त आए, तो इन्होंने अल्टीमेटली आरटीआई का रिप्लाई दे दिया है, ठीक है। अब आप किसी और सोर्सेज पे बिलीव ना करें आरटीआई से, और कॉन्क्रीट और ऑथेंटिक तो कुछ चीजें होती नहीं है। और जो उड़ीसा के लोग हैं वो देख लीजिए, खुशखबरी ये है कि 392 कैंडिडेट्स ज्वाइंड इन उड़ीसा, 392 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, और एससी कैंडिडेट का इन्होंने पूछा है तो उसमें 98 ने करा है, तो अपनी मेन वैकेंसी से आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, कितनी बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी ये आप पूछ रहे हैं, तो एग्जैक्ट फिगर देना तो इट इज नियर टू इम्पॉसिबल, लेकिन जो पता लग रहा है कि जो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड को जिन्होंने एक्सटेंशन लिया था उसमें से भी काफी एब्सेंटीज हैं, तो आप ये मान के चलिए, ऑल ओवर इंडिया की बात करें, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, फिर भी आप मान के चलिए अराउंड मोर देन 1200-1300 1500 तक आप मान के चलिए नाम जरूर आने चाहिए फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। एक मोटा एक वेटिंग लिस्ट का आप जरूर इंतजार आपको होगा। और देखिए, अब जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप अब खुश हो जाइए कि अब एक डेट फाइनल हो गई है, और क्लर्क आईपीपीएस की तैयारी में लग जाइए। आईपीएस क्लर्क ने भी रिजल्ट डिले कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, अनमोस्ट प्रोबेबली कल तो आना ही चाहिए, अब कल नहीं आया तो जैसे कुछ लोग बता रहे थे व्यूअर्स कि 18th को रिजल्ट आएगा, 19th को एडमिट कार्ड, 20th को एग्जाम, ठीक है, जस्ट लाइट है मोमेंट्स में, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कल आईपीएस क्लर्क का रिजल्ट आएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब आप लोग ये भूल जाइए वेटिंग लिस्ट की डिस्कशन, और आईपीएस क्लर्क का अच्छे से एग्जाम दीजिए, एग्जाम हॉल से निकलिए आप, ठीक है। अगर पहले आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता 20 को यार, तो एग्जाम हॉल से निकलिए, अच्छा एग्जाम जाएगा, प्लस वेटिंग लिस्ट में अपना नाम देखिएगा, तो डबल खुशी, डबल वैमी, डबल धमाका आपको 20th जनवरी को मिलेगा। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस तो यही कह रहा है कि ये 20th से नहीं, उससे पहले ही कभी भी आ सकता है, ठीक है। आज उनके पास पूरी लिस्ट हो गई कि कब कब कितने लोग किस कैटेगरी में किस स्टेट में एब्सेंट थे, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया, ठीक है, आरटीआई भी आ गया। और एक बार फिर आप लोग व्यूअर्स का हमारे ऊपर फेथ दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, बड़े बड़े चैनल्स हैं, लेकिन आप व्यूअर्स ने हम पे ट्रस्ट करा और हमें ये जो आपने भेजा इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब की तो हमारे पास, ये उड़ीसा का हो गया, ये 4-5 स्टेट्स की आ गई। अगर किसी के पास और स्टेट्स की हैं तो वो दे दीजिए, तो वी विल अपलोड इट, तो वो अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप तो ये मान के चलिए कि अभी अगर 15-20 तक वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है, 15-20 तक हमारा ख्याल से तो पहले ही आ जानी चाहिए, तो आप जिनका नाम है वो आप DVLPT के लिए रेडी रहिए, तो ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, वो आप समझ लीजिए 30th से पहले पहले करा लेंगे, और आप 10th से फिर आपका मेडिकल DV हो जाएगा, फिर LPT हो जाएगा, ये 10 फरवरी मान लीजिए, तो आप ये मान लीजिए कि बाय 15 से 20 के बीच, ठीक है, 20 फरवरी से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब जहां तक सुनने को मिल रहा है, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, बट जो
सुनने को मिल रहा है, आप जैसे सोर्सेस ने बताया है कि दे आर डिसाइडिंग कि थर्ड मार्च से वो अगले फेज की ट्रेनिंग कराएं। तो थर्ड मार्च से क्या होगा, जो 3 महीने की जिन्होंने एक्सटेंशन लिया उनका भी पूरा हो जाएगा, तो जो रिपोर्ट कर देंगे तो सबकी ट्रेनिंग जो है वो एक साथ थर्ड मार्च से शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो अभी वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा उनका ज्वाइनिंग हो जाएगी उससे पहले, ठीक है। तो अभी आप लोगों को नॉर्मली आई डोंट नो बट एग्जैक्टली LHO वगैरह में रखेंगे, उसके बाद कोई छोटा मोटा ब्रांच दे देंगे और एक साथ थर्ड मार्च से जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको भेज दिया जाएगा। और उसके बाद जैसा इन्होंने बताई है अप्रैल में एक वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बाद अगस्त में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वेटिंग लिस्ट की बहुत बड़ी अड़चन जो है वो लगभग समाप्त हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से विजय बंगाल से और सुशील महाराष्ट्र से, हार्दिक आभार और विजय अनेक अनेक धन्यवाद। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो भी है कट ऑफ 2-3 नंबर से भी है बड़े बड़े स्टेट्स में ज़रूर हो जाएगा, वरी मत कीजिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी, देखिए हमें भी टेंशन रहता है कि वी ऑलवेज वॉन्ट कि आपको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिले, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। परसों भी ये किसी का मेल आया था कि सर वी हैव स्पोकन टू समबडी एंड ही इज टेलिंग कि अप्रैल में ये आएगा, ठीक है। तो आप किसी और की, देखिए कोई कुछ भी बोले, आप जो रिटर्न में लिखा हुआ चीज़ें हैं ना उसे आप ज़रूर लाइफ में कभी भी बिलीव कीजिए। चाहे आप जॉब में नहीं है, कल को क्लर्क बन जाए, PO बन जाए, ऑफिसर ग्रेड बी कुछ भी बन जाए, जो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब ब्रिटेन में जो चीजें हैं उस पे बिलीव कीजिए। बाकी चाहे कोई बड़ी हस्ती बोल रहा हो, कोई छोटी हस्ती बोल रहा है, वो छोड़ दीजिए, जो ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें हैं उसी पर आप बिलीव कीजिए। बहुत बड़े बड़े हस्ती, बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे थे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट मार्च में आएगा, दिसंबर में ज्वाइनिंग है, अप्रैल में आएगा, लेकिन आप देखिए ठीक है 20 दिसंबर को नहीं आना चाहिए। लॉजिकली अभी भी मैं यही कहता हूँ कि उनको 20 दिसंबर को आना चाहिए था, बट नहीं आया ड्यू टू बहुत सारे लोगों ने एक्सटेंशन ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। लेकिन बेटर लेट देन नेवर, 20 जनवरी को वो आ गया। ये सब क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, इसमें और किसी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं, ये सब आपके प्रयासों का ही फल है। तो एक बार हमारी पूरी हम्बल गाइड टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, और वेटिंग लिस्ट के लिए, IPS क्लर्क टुमारो रिजल्ट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार एंड गुड बाय।